शायरी अगर जज़्ब पैगम्बरी है तो खिताबत भी कारम्बर से कम नहीं खिताबत का फ़न इंसान की तरह अजीम और कदीम है आज हमारे अहद में खिताबत की अजमत का दूसरा नाम अलामा रशीद तुराबी तस्लीम किया गया अल्लामा की जहत और हमर शख्सियत दरअसल खिताबत के एक मुनफर्द मकतब की अलामत है उनकी हशत पहलू शख्सियत में ऐसे जौहर यकजा थे जो शाहजु नादर ही देखने में आते हैं उनके जहन की वसतों ने जलाल व जमाल को इस तरह फरोग दिया कि खिताबत की एक नई दुनिया आबाद हो गई इस नई दुनिया की सैर इतनी सहराफरी है कि समातों को इजहार बिलाख के ऐसे रास्तों से गुजरना पड़ता है कि जहन पुरस्श के बजाय परस्तिश की तरफ मायल हो जाते हैं यह हजार शे वगी इसलिए भी है कि उन्होंने एक उम्र कोकनी के बाद पूरी दयानत के साथ अपने खून जिगर को हदय समात किया उनसे पहले जराहते जा की ये गुलकारियां ऐवान खिताबत की दीवारों पर नापैद थी कायद आजम और बहादुर यार जंग जैसी हस्तियों के दोष बदोश मुसलमानों की सरबलंदी के लिए इस कूचे में कदम रखने वाला और खलीफा अब्दुल हकीम सैयद अबू बकर शहाबे उरैसी नज्म तबा तबाही और अल्लामा सैयद सिफ्त हसन जैसे इस से फैजियाब होने वाला अपने उसलूब और पैराए इजहार के बायस मिलत इस्लामिया में यह रोजगार ठहराया गया खिताबत के समंदर में मगरब के फिक्री धारों का वो संगम है जिससे तबाह का एक सैल रवा उमटता नजर आता है और रवानी इस बला की के खुद अपने साथ सुनने वालों को बहुत दूर तक बहाए लिए जाती है यह बहाव लहजे के उतार चढ़ाव का मेरून मिन्नत नहीं कुरान हकीम से इस्तेमाल पर भरपूर कुदरत का नतीजा है ऐसा महसूस होता है कि तकरीर गोया आलिया की तकदीर बन गई है तसरफ शेरी का वो कमाल कैसी मिसाल हनूज नायाफ की गई फसफ तारीख का ऐसा हकीमाना इधरक के जहनों में और मानी के दरीचे खुद बखुद खुलते चले जाते हैं और इन दरीचों से आफाकी फिक्र की रोशनी दिलों को मनवर करती चली जाती है वाकला की तफसीर के लिए जदीद और आलमी मौजुआत के कोहगर को आब रवा बना देना का हिस्सा था वो खिताबत की ऐसी सल्तनत थे जिसमें आवर्द नहीं बल्कि आमद ही आमद की कार फरमाई नजर आती थी अनीस के यहां जो फसाहत है वो उनके लिए मिशल सुखन और दबीर के यहां जो बलागत है वो उनके कसर खिताबत में शम तकल्लम की हैसियत रखती थी मिलत इस्लामिया ने ऐसा खतीब शायद ही पैदा किया हो जिसकी मकबूलियत आमा बरसीर जुनूबी एशिया से निकल कर मशक़ वस्ता अफ्रीका यूरोप और अमेरिका तक अपना यकसा असर वफूज रखती है इन मजालस को आफाकी सतह पर लाने में अलामा की शख्सियत अवलीत के मनसब पर फायज है और मोहम्मदी टेप बैंक के बरदरम हादीस करी ने आमतुल्नास के इस्तादे के लिए बारह सौ से जायद शाहकार तकीरों को पेश करके एक मौसर वसीले का फरीजा अंजाम दिया है